ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। ओप्पो ने हाल ही में अब तक का सबसे सस्ता इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वाला नया स्मार्टफोन भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया और इसका नाम है ओप्पो K1। ये फोन कंपनी की नई सीरीज में लॉन्च हुआ है और ऑनलाइन सेक्शन के लिए कंपनी ये फोन लेकर आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत जल्द अब Xiaomi भी अपना एक नया स्मार्टफोन लेकर आने वाली है जिसका नाम है नोट 7। तो इसी वजह से अब कंपटीशन भी काफ़ी स्ट्रांग हो गया है और कन्फ्यूजन भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है कि ओप्पो K1 ले लिया जाए या फिर Xiaomi Redmi नोट 7 का वेट किया जाए। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपकी इस क्वेरी को सॉल्व करता हूँ और आपको इन दोनों फ़ोन का एक छोटा सा स्पेसिफिकेशन बेस्ड कंपैरिजन दिखाता हूँ, जिसके बाद मुझे उम्मीद है कि कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा कि ओप्पो K1 लेना फ़ायदे में रहेगा या फिर Xiaomi नोट 7 का वेट करना ही सही है। सबसे पहले डिज़ाइन की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि Xiaomi Redmi Note 7 बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का लगता है। इसके बैक पैनल पर आपको ग्लास मिलता है और साइड फ्रेम जो है वो पॉलीकार्बोनेट का है। वहीं आपको बता दूं कि बैक पैनल पर जो ग्लास है उस पर ग्रेडिएंट कलर का इस्तेमाल किया है और जब आप उसको लाइट में रिफ्लेक्ट करते हैं तो आपको अलग अलग पैटर्न्स दिखाई देते हैं। वहीं हम ओप्पो K1 की बात करें तो वो भी कुछ कम नहीं, उसका वेट Xiaomi Redmi Note 7 से भी कम है और वो Note 7 से ज़्यादा स्लीक है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको बता दूं कि भले ही उसका बैक पैनल पॉलीकार्बोनेट का हो लेकिन कंपनी ने उस पर ग्लॉसी फिनिश दी है और आपको कलर जो मिलता है वो ग्रेडिएंट है और आपको वो भी देखने में जरूर अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यहां पर अब टोटली आपकी कॉल है कि कौन से फोन का डिजाइन आपको ज्यादा पसंद आता है। वहीं डिस्प्ले की बात की जाए तो Xiaomi Redmi Note 7 में है 6.3 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले जिस पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है, जबकि ओप्पो K1 में आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिलता है जो कि सुपर AMOLED टेक्नोलॉजी से लेस है और साथ ही साथ इसमें भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही फोन्स में नॉच तो दिए हैं और रेजोल्यूशन भी फुल HD प्लस है लेकिन सुपर AMOLED होने की वजह से ओप्पो K1 यहाँ पर बाजी मार जाता है। इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर Xiaomi Redmi Note 7 में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 660 चिपसेट। इसके साथ साथ इसमें हालांकि अभी हमें पता नहीं इंडिया में कौन से वेरिएंट आएंगे लेकिन फॉर श्योर 4GB रैम से 64GB की स्टोरेज तो आपको मुहैया करवाई जाएगी। यही नहीं, इसमें आपको 4000mAh की बैटरी मिलती है जो कि 18W की फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है। वहीं ओप्पो K1 में हम देखें तो इसमें भी आपको Qualcomm Snapdragon 660 चिपसेट मिलता है और इसमें फिलहाल अभी 4GB रैम के साथ कंपनी 64GB स्टोरेज ही लेकर आई है। इसके अलावा इसमें आपको 3600mAh की बैटरी मिलती है जिसमें 10W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। तो यहां पर अब आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस में भले ही दोनों लगभग सेम हो लेकिन बैटरी के मामले में Xiaomi थोड़ा सा आगे निकल जाता है। तो अगर आप प्योरली बैटरी सेंट्रिक स्मार्टफोन तलाश रहे हैं तो उस केस में Xiaomi Redmi Note 7 का वेट आपको थोड़ा सा करना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ कैमरा Xiaomi Redmi Note 7 में दिया है 48+5 मेगापिक्सल का डुअल रेयर सेंसर विद f1.8 अपर्चर, जबकि ओप्पो K1 में है 16+2 मेगापिक्सल का डुअल रेयर सेंसर। अब हालांकि दोनों फोन्स की पिक्चर क्वालिटी को हमने साइड बाय साइड टेस्ट नहीं किया बट आई एम श्योर कि ओप्पो आपको इतना भी निराश नहीं करेगा। हो सकता है कि टेस्ट करने के बाद रिजल्ट कुछ अलग ही दिखे, ओप्पो शायद बाजी मार जाए, पर फिलहाल अभी स्पेक्स वाइज देखेंगे तो Xiaomi Redmi Note 7 थोड़ा सा आगे निकलता है। पर जब फ्रंट कैमरा की बात आएगी तो उस केस में Xiaomi Redmi Note 7 में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर मिलता है तो वहीं ओप्पो K1 में 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है। और हम सभी जानते हैं कि ओप्पो वीवो के स्मार्टफोन सेल्फी के लिए बेस्ट माने गए हैं तो इस केस में यहां पर हम कह सकते हैं कि सेल्फी कैमरा के मामले में स्पेक्स वाइज एटलीस्ट ओप्पो K1 बाजी मारता है। सॉफ्टवेयर पर नजर डालें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि Xiaomi Redmi Note 7 अभी इंडिया में नहीं आया है इसलिए भी कंफर्म नहीं कह सकते कि इंडिया में कंपनी एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन आपको मुहैया करवाएगी, लेकिन हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद कंपनी आपको इसके बॉक्स के अंदर ही एंड्रॉयड पाए मुहैया करवाए जिस पर MIUI 10 की लेयरिंग दी गई होगी। वहीं अगर ओप्पो K1 की हम बात करें तो उसमें आपको मिलता है एंड्रॉयड ओरियो जिस पर कलर OS की लेयरिंग दी गई है। तो अगर इंडिया में Xiaomi Redmi Note 7 पाए के साथ आता है तो यहाँ पर Xiaomi के पास सॉफ्टवेयर का भी एडवांटेज हो जाता है। अब आपने देख लिया कि मैंने सभी एस्पेक्ट्स के बारे में आपको पूरी तरह से बता दिया तो यहाँ पर निष्कर्ष अब कुछ इस तरह निकलता है कि अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन चाहते हैं जिसमें आपको अच्छी बैटरी मिले साथ साथ रियर कैमरा भी अच्छा हो और आपको कुछ एक्स्ट्रा छोटे मोटे फीचर जैसे कि सॉफ्टवेयर सपोर्ट और IR ब्लास्टर मिल जाए तो आप Xiaomi Redmi Note 7 की ओर जा सकते हैं। पर अगर आपको एक एडवांस फ़ोन चाहिए, अगर आपको अपने दोस्तों के सामने फ्लॉन्ट करना है कि भाई मेरे पास तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वाला स्मार्टफोन है, तो उस केस में आप ओप्पो K1 को कंसिडर कर सकते हैं।
पर आपको बता दूं कि ओप्पो के वन कीमत है 16,990 रुपये। हालांकि नोट 7 अभी इंडिया में नहीं आया तो प्राइस हम नहीं बता सकते, पर उसकी कीमत भी कुछ यही होगी, 15-16,000 रुपये के आसपास आपको उसका 4GB रैम वेरियंट मुहैया करवाया जा सकता है। पर एनीवे, अगर इन फोन्स को लेकर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हमसे चैट करने के लिए आप इन दी गई ID पर जाके जुड़ सकते हैं या फिर मेरी पर्सनल IDs आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। Until then, this is Keshav Khera signing off.